आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिलाधिकारी के माध्यम से निजी स्कूलों की 3 माह की फीस माफ करने और निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के संबंध में 6 सूत्रीय मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र प्रेषित किया, जिसके संबंध में आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरेंद्र यादव ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण लगभग पिछले 3 माह से देश भर में लागू लॉकडाउन के कारण लोगों के कारोबार प्रभावित हुए हैं। इन परिस्थितियों में लोगों को परिवार चलाने में भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में अभिभावक अपने बच्चों की फीस दे पाने में पूरी तरीके से असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों की फीस 3 माह के लिए माफ की जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरीके से भी निजी स्कूल अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं, इस पर भी अंकुश लगाने के संबंध में आज मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरेंद्र यादव ने कहा, हरेंद्र यादव मेरा नाम है जी। हम अपने यहाँ के गोरखपुर के विद्यालय जो प्राइवेट स्कूल हैं उससे संबंधित हमने जो है अभिभावकों पे उनका दबाव और बच्चों का शिक्षा पद्धति पे दिया गया है कि 3 महीने तक बच्चों का जो फीस है वो माफ़ हो और विद्यालयों की तरफ से अभिभावकों पे जो दबाव बनाया जा रहा है कि फीस संबंधित उसी संबंध में जो है ये हमने विज्ञापन दिया है यहाँ पर जिला महोदय जिलाधिकारी महोदय को, ताकि इस पे जो है मुख्यमंत्री साहब को संज्ञान लें कि ऐसे बच्चों को जो है किसी तरह से प्रताड़ित ना हो और फीस का खासकर 3 महीने की फीस माफ़ हो और शिक्षा पद्धति पे भी प्रकाश डाला गया है कि आने वाले दिनों में जैसे ये विज्ञप्ति पे हमने जो है खासकर कई बिंदुओं पे हमने रोशनी डाली है। उदाहरण के तौर पर प्रदेश में सभी निजी स्कूलों में NCERT का पाठ्यक्रम पर रोशनी डाली गई है। छोटे बच्चों के ऑनलाइन क्लास पर रोक लगाए जाने संबंधित हमने जो है प्रकाश डाला है, क्योंकि छोटे बच्चों को जो है एक बुरी आदत से वो ये हो रहे हैं। और सभी निजी स्कूलों में अभिभावक संघ का संगठन का गठन किया जाए उस पर, फिर बच्चों से एक ही विद्यालय में प्रतिवर्ष एडमिशन फीस ना लिया जाए, हर वर्ष जो है एडमिशन फीस हर विद्यालय जो है प्राइवेट स्कूल लेते हैं, ये एक अमानवीय ये है।